मैं आज स्टार्ट करूंगा जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसका एक्सरसाइज होगा। तो आगे हमने किया था, पहले 3.5 तक किया था, तो आज करेंगे अभी 3.6 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखो, हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है। ए नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पासेस थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ, जो हमारा लेंथ है, करंट वायरिंग लेंथ है, इसका दिया है, कितना दिया है, 15 मीटर है। एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो एरिया दिया है कितना दिया है, 6.0 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर दिया है। और आगे क्या है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, हमको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब क्वेश्चन में पहले तुमको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एक लेंथ दिया है, मान लो एक लेंथ है, करंट वायरिंग एक लेंथ है, इसका लेंथ दिया है L, L कितना है, L इक्वल टू 15 मीटर है। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी इसका एरिया गिवन है, एरिया कितना है, एरिया दिया है तुम्हारा A इक्वल टू कितना है, 6.0 × 10⁻¹⁷ मीटर स्क्वायर दिया है। एंड और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है, R इक्वल टू तुम्हारा 5 ओम दिया है। और रेजिस्टिविटी निकालना है, यानी तुम्हारा जो रेजिस्टिविटी होता है वो रो होता है, रो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आया, हमको किया दिया है इधर में, एक तो तुम्हारा दिया है लेंथ, जो करंट कैरिंग वायर है उसका लेंथ दिया है, और एक है उस लेंथ का जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। तो हमको निकालना है रेजिस्टिविटी, यानी तुम्हारा क्या निकालना है, रो का वैल्यू निकालना है। तो देखो अभी इसका पहले एक बार तुम जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लो खुद से और डिवाइड करके पढ़ना। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार तो हम देख लेंगे। अभी पहला हमारा जो फॉर्मूला है, ये सब है, ऐसा फॉर्मूला है जो ये सब है। तो हमारा एक फॉर्मूला था, यानी तुम्हारा R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू रो L by A है। तो हमको क्या निकालना है, ये तुम्हारा रो का वैल्यू निकालना है। तो R का देखो, रो इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, R A by L होगा। इसमें देखो, इसमें तुम्हारा क्या है, R का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू कितना है, 5 ओम है, इनटू A का वैल्यू, A का वैल्यू कितना दिया है, 6.0 × 10⁻¹ गिवन है। और उसके बाद L, L का कितना दिया है, 15 मीटर दिया है। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आगे देखो, इसको हम काट सकते हैं, इसको इसको काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा या 3 होगा, और इसको इसको काट सकते हैं, यानी तुम्हारा 2 होगा, यानी हमारा आंसर आ गया 2 × 10⁻¹ ओम मीटर आ गया। यही है हमारा क्वेश्चन का आंसर। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अभी देखेंगे हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। अभी देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, यानी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 3.7। पहले क्वेश्चन पढ़ लो खुद से, उसके बाद हम देखेंगे क्या है क्वेश्चन में। देखो इसमें लिखा है, ये जो हमारा है 3.7 क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है ए सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है, जो वायर है उसका रेजिस्टेंस दिया है, कितना रेजिस्टेंस है, 2.1 ओम है। टेम्परेचर भी दिया है, कितना टेम्परेचर में रेजिस्टेंस है, यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस में हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2.1 ओम दिया है। और आगे क्या है, ए नंबर एंड ए, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 2.7 ओम एट
100 डिग्री सेल्सियस, और दिया है क्या 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, हमारा रेजिस्टेंस है 2.7 ओम है। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहला दिया है टेम्परेचर, यानी तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो दिया है 27 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो रेजिस्टेंस है कितना रेजिस्टेंस है 2.1 एम्पियर है, सॉरी 2.1 ओम है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमारा रेजिस्टेंस कितना है 2.7 ओम है। अभी क्वेश्चन में बता रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा वही निकालना है। अभी देखो हम लिखते हैं, ये तुम्हारा जो गिवन है टेम्परेचर, हम मानते हैं T1 कितना डिग्री है 27.5 डिग्री सेल्सियस, 27.5 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस यानी R1 इनिशियल हमने ले लिया 1 T1 यानी R1 होगा कितना होगा 2.1 ओम होगा। सेकेंड में दिया है 100 डिग्री सेल्सियस यानी T2 यानी 100 डिग्री सेल्सियस है, T2 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है यानी R2 गिवन है कितना 2.7 ओम है, और हमको निकालना है क्या कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, जो कोफिशिएंट है यानी हमको निकालना है अल्फा का वैल्यू निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले तुमको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को अच्छा से समझना है, उसके बाद ही तुमको करना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है तुमको, उसके बाद ये हमारा गिवन है तो ऐसा एक फॉर्मूला निकालो जैसा जहां ये सब है, तो हम देख सकते हैं हमारा एक फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है R2 equal to R1 1 plus alpha delta t, ये एक फॉर्मूला है। हम जानते हैं डेल्टा टी यानी तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा टी यानी T2 minus T1 है, ये सब दिया है, देखो गिवन दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1। तो पहले देखो R1 का वैल्यू गिवन है, R1 का वैल्यू कितना है 2.7 इक्वल टू आर सॉरी आर टू का गिवन है 2.7 और आर वन का कितना गिवन है, आर वन का गिवन है 2.1 प्लस 1 है, 1 पुट करो, अल्फा का वैल्यू है नहीं है तो अल्फा डायरेक्ट अल्फा ही लिखेंगे। उसके बाद T2 का वैल्यू कितना है, T2 का देखो, T2 का जो वैल्यू है वो 100 डिग्री सेल्सियस यानी आपका आएगा इधर 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस T1 का कितना है, T1 के है 27.5, यही हो गया हमारा। अभी ये कर लो, अभी देखो अच्छा से, तो इसको ये ब्रैकेट और एक होगा तो आगे हम कर सकते हैं इसको, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 2.7 डिवाइडेड बाय 2.1 इक्वल टू ये होगा आपका 1 प्लस ये होगा आपका 100 यानी आपका अल्फा 100 माइनस 27.5। तो आगे करते हैं, अब देखो इसको, ये हमारा जो है ये 3 हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हमारा जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, यानी हम लिख सकते हैं 9/7 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5, ये हो गया हमारा। तो आगे देखते हैं, तो इसमें आएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, यानी 9/7 - 1 इक्वल टू अल्फा 100 माइनस 27.5,
यानी आ गया इधर कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं 9 माइनस एलसीएम कितना होगा 7 होगा, यानी 9 माइनस 7 इक्वल टू अल्फा 100 माइनस 27.5, तो ये होगा। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2y7 यानी अल्फा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अल्फा 100 माइनस 7 यानी आपका होगा 5 हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा 9 यानी आपका होगा 2 point, उसके आपका होगा 9 2 और 7 यानी 72.5 होगा। तो इसको आगे लिख सकते हैं यानी अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते 2y7 इंटू 72.5 तो ये देखो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 इक्वल टू ये 2y7 इंटू 72.25 इंटू इधर कितना होगा ये 10 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड कर लेते हैं इधर, तो डिवाइड करना है 20 डिवाइडेड बाय 7, यानी आपका आंसर होगा अल्फा इक्वल टू कितना होगा 0.0039, ये आपका आंसर है। तो ये देखिए ये जो आपका आंसर है ये आपका आंसर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 3.9 इंटू 10^-3 लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इसका हो गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3.8 क्वेश्चन होगा। हम देखते हैं अभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 3.8 क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोन कनेक्टेड टू ए 330 वोल्ट सप्लाई। देखो इसमें सप्लाई कितना दिया है, सप्लाई दिया है आपका 230 वोल्ट दिया है। और इसमें क्या है, एट इनिशियल करंट जब हम 330 वोल्ट सप्लाई करते हैं तब इनिशियल करंट कितना होता है, इनिशियल करंट होता है 3.2 एम्पियर होता है। व्हिच सेटल आफ्टर अ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड बाद में क्या होता है, कुछ सेकंड बाद में द स्टडी वैल्यू, इसका जो वैल्यू है इनिशियली कितना करंट है 3.2 एम्पियर है, कुछ सेकंड बाद इसका जो करंट का वैल्यू है, करंट का वैल्यू कितना होता है 2.8 एम्पियर होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर निकालना है ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर निकालना है। इफ अगर रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तब तुम्हारा कौन सा टेम्परेचर निकालना है, एक टेम्परेचर जब 2.8 एम्पियर था तब का टेम्परेचर निकालना है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी अल्फा का वैल्यू दिया है, ये आपका अल्फा का वैल्यू दिया है 1.70 × 10⁻⁴। हम लिखते हैं पहले इनिशियली हमारा कितना दिया है, वोल्ट का जो है ईएमएफ कितना है 230 वोल्ट है, और इनिशियली जब 234 हमने ज्वाइन किया था तब हमारा करंट आया था, यानी I1 कितना आया था, I1 आया था 3.2 एम्पियर। जब 3.2 एम्पियर आया था तब इनिशियल टेम्परेचर कितना था, देखो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी आपका इधर होगा T1 क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस। स्टडी करंट यानी थोड़ी देर बाद, देखो इसमें लिखा है फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर बाद में इसका करंट का वैल्यू कितना हुआ, यानी I2 करंट का वैल्यू कितना हुआ I2 यानी 2.8 एम्पियर हुआ है। रूम टेम्परेचर तब क्या होगा, यानी आपका T2 का वैल्यू निकालना है,
और आपका इसमें गिवन क्या है, कौन सा गिवन है, ये अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या है 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, पहले हम देखो एक फॉर्मूला है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, पहले हम क्या कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन हमारा B का वैल्यू कितना है 230 वोल्ट और I का I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है आपका 3.2 एम्पीयर। तब R1 का वैल्यू कितना है हम निकाल सकते हैं, तो R1 का वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए, यानी आपका आएगा V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I1 R1। अब देखो इसमें हमारा क्या निकालना है, R1 निकालना है, यानी R1 इक्वल टू क्या होगा, R1 इक्वल टू V/I1 होगा। तो इसमें देखो R1 का निकालना है, तो V का वैल्यू कितना है 230 डिवाइडेड बाय I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू है 3.2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, अगर डिवाइड कर लिया तो हमारा आंसर कितना आएगा 230 डिवाइडेड बाय 3.2, यानी आपको आंसर आएगा 71.87। ये R1 का वैल्यू है। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, ये आपका R1 का सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में R1 का वैल्यू कितना आया, R1 इक्वल टू तो सेकेंड कंडीशन के लिए हमारा क्या होगा, देखो सेकेंड कंडीशन के लिए हमारा जो है R2 हमको निकालना है, और I2 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू दिया है आपका 2.8 एम्पियर है, और V का वैल्यू कितना है, सेम वोल्टेज है, तो V का वैल्यू जो है 230 वोल्ट होगा, यानी आपको R2 का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं V इक्वल टू I2 R2 होगा, यानी आपका R2 इक्वल टू क्या होगा, V/I2 होगा, यानी आपका 230 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू कितना है 2.8 है। तो हम R2 का वैल्यू अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 230 डिवाइडेड बाय 2.8, यानी आपका आंसर आ गया 82.14 ओम। ये आपका आंसर आ गया। अभी देखो पहले ये आपका R2 का आंसर आ गया, ये आपका था R2 और ये आपका है R1। तो R2 का वैल्यू जो है, R2 इक्वल टू कितना है 82.14 ओम है। अभी देखो R1 का वैल्यू आ गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, अल्फा T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला देखो, ये जैसा है, इसका वैल्यू और T2 और T1 का वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करके हम T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम जानते हैं देखो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T है, यही फॉर्मूला है। तो देखो R2 का वैल्यू हमको पता है, R2 का वैल्यू कितना है 82.14 है, R1 का वैल्यू कितना है 71.87 है, उसके बाद 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10 टू दिवार माइनस 4 है, उसके बाद डेल्टा टी है। अभी देखो इसको, हम इसको 82.14 डिवाइडेड बाय कितना होगा 71.87 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1.70 इंटू 10 टू दिवार माइनस 4 डेल्टा टी होगा।
अभी ये हो गया, उसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको हम डिवाइड, ये जो वन है, ये जो हमारा वन है, इसको हम इधर ला सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आगे देखो क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो ये तुम्हारा 82.14 डिवाइडेड बाय 71.87 इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, तो माइनस क्या होगा, वन इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 4। यानी देखो डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब क्या है, T2 माइनस T1 है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 8214 डिवाइडेड बाय 7187 माइनस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 4। यानी आपका T2 माइनस कितना डिग्री है, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का 27 डिग्री है। तो यहां से हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना होगा 7187 इधर होगा 8214 माइनस 7187 इक्वल टू होगा आपका 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 4, और इसको होगा आपका T2 माइनस 27। तो इसको आगे कर सकते हैं, तो कितना होगा, इधर देखो इधर आपका हो गया, अगर माइनस कर दिया 8214 माइनस 7187 इक्वल टू होगा आपका 1027 डिवाइडेड बाय होगा आपका 7187 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 2, यानी होगा आपका T2 माइनस 27। तो इसको अगर डिवाइड कर दिया तो आंसर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 7187 इक्वल टू इसमें आएगा आपका 0.14 इक्वल टू 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 4, यानी T2 माइनस 27 होगा। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 0.14 डिवाइडेड बाय कितना होगा 1.7 इंटू 10 to the power माइनस 4 इक्वल टू होगा आपका T2 माइनस 27। तो इसको देखो अगर इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा होगा इधर डिवाइडेड बाय 1.7, तो आ गया आपका इधर आएगा आपका कितना आया, तो 0.08 इक्वल टू हम लिख इनटू 10 to the power 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T2 माइनस 27। तो इसमें देखो अगर इसको कर दिया तो तुम्हारा कितना होगा, इसमें इनटू 1000 कर दिया, यानी आपको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 840.56 इक्वल टू कितना होगा T2 माइनस 27। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो T2 माइनस 27 इक्वल टू 840.56 होगा इक्वल टू T2 इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा, इस तरह जाएगा तो प्लस होगा T2, तो 840.56 प्लस 27 होगा, इसको प्लस करो तो प्लस करने से 27 प्लस, यानी आपका आंसर आ गया, हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू कितना है 867.57। ये आपका डिग्री सेल्सियस है, हमारा जो टेम्परेचर है यही है, हमारा जो आंसर है यही है आंसर। ये समझ में आया आपको, अगर ये समझ में आया तो आगे देखेंगे, अभी देखो फिलहाल
अभी देखो, पहले तुमको ये करने के लिए तुमको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है, उसके बाद धीरे धीरे, पहले तुम धीरे धीरे क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद जो डाटा दिया है उसको, उस डाटा को तुम लिखो, उसके बाद उस डाटा के बेसिस पे फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ही कंसेप्ट यूज करो, तब देखेंगे, देखो उसके बाद क्या होगा, उसका अपना आप निकल आएगा, जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट जो होगा